हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो सेफ्टी। गाइस, हम बात करेंगे आज फायर सेफ्टी के बारे में, सो देखते रहिए हमारी वीडियो। हाउ डू फायर स्टार्ट, फायर स्टार्ट कैसे होता है। यहाँ पे चार मेथड है जिससे फायर स्टार्ट होता है। फर्स्ट है लाइटरनिंग, सेकेंड स्पोंटेनियस कॉम्बस्टन, थर्ड है केमिकल रिएक्शन एंड फोर्थ है इलेक्ट्रिकल। फायर हैज एवरीवेयर, फायर हर जगह हो सकता है, फायर हर जगह पे है। बस में फायर हो सकता है, ट्रेन में फायर हो सकता है, मॉल में, शॉपिंग मॉल में, स्कूल में, केमिकल कंपनी में, नहीं तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ में, सब जगह फायर हो सकता है। यहाँ तक कि फॉरेस्ट में भी फायर हो सकता है। तो फायर ये नहीं देखना है कि यहाँ पे फायर नहीं होगा, फायर हर एक जगह हो सकता है। फायर हैज़ एवरीवेयर, देन हाउ कुड प्रिवेंट इट। हर जगह फायर है तो इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। फायर को बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं। कंपनी एक्ट के अनुसार किसी भी वर्क प्लेस पे फायर एक्सटिंग्विशर 1.5 फीट हाइट पे लगाया जाता है और 15 स्क्वायर मीटर का रेंज पे एक फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं। अगर फायर एक्सटिंग्विशर बड़ा है तो उसको ग्राउंड पे रख लेते हैं, उसके ठीक ऊपर दीवार पे उसका पोस्टर लगा देते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी पे वो दूर से भी दिख जाए, जिससे फायर फाइटिंग करने वाले को फायर एक्सटिंग्विशर ढूंढने में परेशानी ना हो। यहाँ हम एक्सटिंग्विशमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि हमारा फायर कैसे होता है। फायर हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से होता है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन विच इंक्लूडिंग द हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ मिला के फायर बनता है और तीनों से अगर एक चीज़ को भी हम कटअप कर देते हैं तो हमारा फायर पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं, ये सेम थ्योरी एक्सटिंग्विशमेंट थ्योरी बोलता है। रिमूविंग हीट, हीट को रिमूव करने के लिए हम उसको कूलिंग कर देंगे। रिमूविंग फ्यूल बाई स्टारवेशन, और थर्ड पॉइंट है रिड्यूसिंग ऑक्सीजन, ब्लैंकेटिंग करके इसको हम कवर करके चारों तरफ से ऑक्सीजन को कटअप कर सकते हैं। तीनों में से अगर एक भी कटअप कर दिए तो हमारा फायर तुरंत इमीडिएट बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास ऑफ फायर, मटेरियल एंड एग्जांपल, सिंबल क्या होता है एंड सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लास ए फायर क्या होता है। क्लास ए फायर सॉलिड फायर बोलते हैं, इसमें सॉलिड मटेरियल यूज होता है। दिस इंक्लूडिंग फ्यूल सच एज वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर एंड क्लॉथेस। इसका सिंबल क्या होता है, ट्रिंगल होता है। सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर क्या यूज़ कर सकते हैं, वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई सैंड भी यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल फोम यूज़ कर सकते हैं और ड्राई केमिकल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, इसमें लिक्विड्स फायर होते हैं। दिस इंक्लूड ऑल हाइड्रोकार्बन एंड अल्कोहल बेस्ड लिक्विड एंड सॉल्वेंट दैट विल सपोर्ट टू कंबशन। इसका सिंबल स्क्वायर होता है। कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं, ड्राई सैंड भी यूज़ कर सकते, CO2 यूज़ कर सकते, मैकेनिकल फोम यूज़ कर सकते एंड DCP भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, क्लास सी फायर, केमिकल गैसेस होता है। फॉर एग्जांपल, दिस इंक्लूडिंग ऑल फायर इन्वॉल्विंग LPG, H2, एसटेलाइन एंड ऑक्सीजन। इसका सिंबल की बात करें तो सर्कल सिंबल होता है। कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं,
CO2 एंड DCP दो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। क्लास डी फायर कंबस्टेबल मटेरियल इसमें रहता है, मेटल रहता है। फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर जिकोनियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। इसका सिंबल स्टार होता है और DCP इसमें ड्राई केमिकल पाउडर और ड्राई सैंड दो फायर एक्सटिंग्विशिंग कर सकते हैं, दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट हमारा पांचवा पॉइंट है क्लास ई फायर इलेक्ट्रिकल फायर्स रहता है इसमें, लाइक शॉर्ट सर्किट। इसका सिंबल केबल जॉइंट रहता है। इसमें ड्राई सैंड यूज़ कर सकते हैं, DCP यूज़ कर सकते हैं, CO2 यूज़ कर सकते हैं और ड्राई पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे बेटर CO2 माना जाता है क्योंकि कोई नुकसान एप्लीकेंस इसका कुछ नुकसान नहीं होता है, कोई नष्ट नहीं होता है। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बात करेंगे। 6 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, 6 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फर्स्ट में वाटर रहता है जिसको फायर हाइड्रेंट सिस्टम बोलते हैं, H2S में रहता है और ये क्लास ए में यूज़ होता है। सेकंड नंबर पे है ड्राई सैंड, इसको सैंड बकेट में रहता है नहीं तो सैंड ट्यूब में रहता है, डिस्क्रिप्शन में इसको ड्राई सैंड ही बोलते हैं और क्लास A, B and E में यूज़ होता है। ड्राई सैंड A, B and E में यूज़ होता है, तीन क्लास में यूज़ होता है। और थर्ड पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। इसका कैपेसिटी की बात करें तो हम 2 kg में आता है, 4.5 kg में आता है, 9 kg, 22 kg, 45 kg। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर टाइप रहता है इसके अंदर और ये क्लास B, C and E में यूज़ होता है, ये भी तीन क्लास में यूज़ हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है मैकेनिकल फोम A FFF, ये 9 kg में 9 लीटर्स में रहता है, 50 लीटर्स एंड 150 लीटर्स में रहता है। इसमें इसका डिस्क्रिप्शन क्या रहता है, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन कौन से एक फायर में यूज़ होता है, क्लास A and B फायर में यूज़ होता है, जो बहुत ही कम यूज़ होता है, बिग फायर में इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइव पॉइंट है ड्राई केमिकल पाउडर जिसको DCP बोलते हैं, ये 5 लीटर्स में रहता है, 10 लीटर्स एंड 50 लीटर्स में रहता है। इसका डिस्क्रिप्शन सोडियम बायोकार्बोनेट प्लस CO2 रहता है। ये मल्टीपर्पज यूज होने वाला ये फायर एक्सटिंग्विशर है। A, B, C, D and E मैक्सिमम ऑल फायर में ये यूज़ होता है। और लास्ट है हमारा है 6 पॉइंट ड्राई पाउडर ABC टाइप मोनो अमोनियम फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन होता है, N2 इसमें रहता है और ये स्पेशल क्लास ई फायर इलेक्ट्रिकल के लिए यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा किसी भी फायर को फाइट करने के लिए एक मेथड होता है, द पास मेथड बोलते हैं, PASS मेथड्स। पी का मतलब होता है पुल द पिन, जो फायर एक्सटिंग्विशर में पिन रहता है सबसे पहले वो पिन को निकालेंगे। सेकंड एम द होज और नोजल, होज और को फायर के ऊपर एम लगा देंगे, उसको टारगेट करेंगे। स्क्वीज द लीवर, लीवर को दबा के स्वीप द एजेंट और एजेंट और फायर के ऊपर हम इसको स्वीपिंग जैसे करेंगे, घुमाएंगे। तो ये हमारा फायर फाइटिंग का मेथड होता है, पास मेथड, इसको हम पास मेथड बोलते हैं। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे हम देखेंगे कैसे फायर फाइटर फायर को फाइट कर रहे हैं, फायर से फाइट कर रहे हैं। फायर के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा होके झाड़ू मारने के जैसा, स्वीपिंग के जैसा, उसको इधर से उधर घुमाएंगे और
नोज़ल को हाथ में पकड़ के अच्छा से फाइटिंग करेंगे। बी प्रिपेयर्ड क्या होता है, सपोज़ कीजिए आप जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग में आग लग गया है, इन योर बिल्डिंग नो योर लोकेशन ऑफ, आपके बिल्डिंग में आग लगने से आप क्या क्या चार पॉइंट है आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है द नियरेस्ट एग्जिट, सबसे नज़दीक आपको बाहर जाने का रास्ता किधर है। अ सेकेंडरी रूट ऑफ एस्केप, दूसरा रूट, अगर किसी किसी बिल्डिंग में लिफ्ट होता है और स्टेयर्स भी होते हैं तो दूसरा रास्ता क्या है निकलने का, बाहर जाने का दूसरा रास्ता क्या है। थर्ड पॉइंट है द लोकेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर किधर रहता है, कहाँ हो सकता है। और फोर पॉइंट है द लोकेशन ऑफ फायर अलार्म पुलिस स्टेशन, एक अलार्म होता है वो दबाने से पूरे आदमी को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, फायर कंट्रोल में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि फायर यहाँ पे फायर हो गया है। इन द इवेंट ऑफ बिग फायर, सपोज़ करें एक बड़ा फायर हो गया, जब आप क्या करेंगे, आपको क्या क्या करना चाहिए आइए हम बताते हैं। वार्म अदर, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, वार्म करना चाहिए। पुल अलार्म, एक अलार्म होता है उसको अलार्म को पुल करना चाहिए जिससे कि कंट्रोल सेंटर में इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये पॉइंट पे फायर हो गया है। गेट आउट एंड कॉल फॉर हेल्प, वहाँ से भाग जाना चाहिए और कॉल फॉर हेल्प करना चाहिए। इफ़ योर क्लॉथेज कैच फायर, अगर आपके कपड़े में फायर हो गया है, कपड़ा में फायर पकड़ लिया है फायर के दौरान, तो आप क्या करेंगे, भागेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे, नहीं तो बैठेंगे, क्या करेंगे। इसका सिंपल जवाब है, आपका कपड़ा में अगर फायर पकड़ लिया है, आग पकड़ लिया है, तो आप रुक जाइए, स्टॉप हो जाइए एंड ड्रॉप एंड रोल ऑन द ग्राउंड, आप नीचे ज़मीन पे लेट के रोल रोल होना घूमेंगे तो आपका फायर ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।